आब हम कार्यक्रम का आगू बढ़बे संस्कृतक प्रकांड विद्वान डॉक्टर जयशंकर झाजी से आग्रह करवें आजुके समारोह का संबोधित करे डॉक्टर जयशंकर झाजी। ओम मां भद्रं कर्णे भी श्रृणयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभियजत्र स्थिरै रंगै तुष्टवाग्मंस्तनुभिः व्यसेमहि देव हितं जदायुः। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरयमकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम तत्सत। अद्य अस्य समारोहस्य मान्यः अध्यक्षः संस्कृत विद्वांसः डॉक्टर कामेश्वर चौधरी महाभागा मंचे उपस्थिता सर्वे मैथिल सेविनः। वस्तुतः संस्कृत भाषा मैथिली भाषा के पाग छे। बैजू बाबू प्रायः बात के बजत रहे छथि जे जँ संस्कृत ज्ञान नहीं हैत तब मैथिलियो में अहाँ के चेष्टा जे अछि से ओहन नहीं भऽ सकैए जेहन मधुप जी के होइ छलन, ओहन नहीं भऽ सकैए जेहन अमर जी के होइ छलन, ओहन नहीं भऽ सकैए जेहन जात्री जी को होइ छलन। कहबाक अभिप्राय अछि जे संस्कृत के आधार पर ठार भऽ कऽ मैथिली के महत्तम सेवा कयल करबाक चाही। तैं संस्कृत से जुड़ू जड़ से जुड़ब जे पतालक जल सुखा जते तो ऊपर में वो पंप नहीं चलते वो हैंड पंप काज नहीं करते तो संस्कृत से प्रगाढ़ जुड़ाव हमरा सब के होना चाहिए तखन। और अहां जाहि महाकवि विद्यापति के हमरा सब लगातार स्मरण कर रहल छी पूजन कर रहल छी आदरणीय वैद्यनाथ चौधरी बैजू आओ तीन दिन से एकदम अनघोल भेल छल विलक्षण कार्यक्रम भेल दरभंगा में विद्यापति के पुष्पांजलि केलौं हमरा सब विद्वत शोभा यात्रा में सम्मिलित भेलौं। काल देकुली गाम में विद्यापति के स्मारक के जैसे भूमि पूजन में सम्मिलित भेलौं। आय पुनः सहस्राम गाम आबि कऽ युवा उत्थान फाउंडेशन युवा उत्थान फाउंडेशन युवा के अर्थ वस्तुतः वो भेल जे वायु से बात करे युवा के उलट दियो की हेते युवा उलटियो वायु हेते वायु से बात करे पंचानन खन भुजचारी नहीं कखनो विद्यापति देखो कते बढ़िया एकेश्वरवाद के प्रतिपादन कतेक विलक्षण रूप में विद्यापति कह दला जे हे एकेश्वरवाद मिथिला में पंच देवो उपासना के पद्धति रहले पांच टा देवी देवता के हम सब पूजा करे छी लेकिन विद्यापति एकेश्वरवाद के प्रतिपादन शिव और हरि और शिव में एकात्म हरि और हर में एकात्म के बोध कतेक बढ़िया पंक्ति छै जे खन पंचानन खन खन भुजचारी नहीं खन शंकर खन कृष्ण मुरारी नहीं एहने एहन देव खन गोकुल भय गाय चराबती आ खन भिख मांगती डमरू बजाबती एहि रूप में आयल छै कि नहि आयल छै तऽ एहन सुंदर प्रतिपादन भगवती के जे मानै छथि एकमात्र शक्ति के मानै छथि तहो में दुर्गा सरस्वती काली एहि बीच में कोनो लक्ष्मी के बीच में विवाद करय के काज नहीं कज्जल रूप तुव काली कहिए नहीं उज्जल रूप तुवे बानी आ रवि मंडल पर चंडा कहिए गंगा गंगा बहत तू पानी नहीं ब्रह्मा घर ब्रह्मानी कहिए कतेक विलक्षण एकेटा शक्ति के
मिला कर मने एक रूपता एकत्व के स्थापना विद्यापति पैग पैग जे पर शास्त्रार्थ होत रहल अपन छोट पदावली में एहन एहन कविता क क आ से सबटा सिद्धांत के समन्वयक के भला विद्यापति भला से अभिनव विद्यापति अभिनव जयदेव हुनका कहल गेल। संस्कृत साहित्य के परंपरा में मधुरतम काव्य लिखवा के मधुरतम काव्य लिखवा के अंतिम कड़ी में जयदेव सर्व पूज्य सर्व विदित छथि। आ से जयदेव पूर्व में लिखला है कि यदि हरि स्मरणे सर्वम मनः यदि विलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम श्रृणु तदा जयदेव सरस्वती। लेकिन जयदेव के बाद के अभिनव जयदेव कहलथ विद्यापति कहलथ तो विद्यापति अभिनव जयदेव आई मंच पर के सरस जी छथि हम इनका अभिनव विद्यापति कह सके सरस जी अभिनव विद्यापति छथि नहीं बैसल रहता अखन देखलो मणि हिंकर मणिकांत के बैसल बैसल कतेक सुंदर सबके कान में लगल मोद बाणियो तेहने छन आ मेधो तेहने छन तो एहन जैसे हमर जे मणिकांत हो आ समस्त मिथिला के जे सकारात्मक तत्व छे ऊर्जा छे तेकरा जोड़ वाला भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन गीता में कि सब चीज हमरे में गूथल है हम सूत्र छी तो सूत्रे मणि गणाइब तेना सूत्रे मणि गणाइब हमर सब के आदरणीय डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू आओ मिथिला के शक्ति के समेटक के जे अश्वमेघ यज्ञ करै छथि ओ अद्भुत करै छथि एहन जैसे भैयू बाबू विराजमान छथि और मानवता नहीं बचते तो मिथिला बचते तो मानवता के रक्षा हो चाहिए सब चीज हो बड़ी लाइन बने ये हो हवाई जहाज उड़े आ पुअर हम जो महाराजा बने रखी ते में अनाथ बच्चा नहीं रहे ते में पुअर नहीं रहे ते में और किछ होमे लगे तो से नहीं हमारा बीच में मानवाधिकार प्रतिष्ठान के पुरोधा प्रदीप चौधरी जी जे हमरा बहुत बहुत मदद करत रहे छथि मनोबल बढ़े छथि कम से कम हमरा ई लगत रहे छथि प्रदीप बाबू के नाम सुनै छी हिनकरा दर्शन भ जाइए तो मनोबल हमर बढ़िए जे मानवाधिकार के आवाज उठेनिहार एहन एकटा वीर हमर सबके बीच में विराजमान छथि तिनका हम बहुत बहुत नमन करै छी। हमरा अत्यंत प्रसन्नता भ रहल अछि जे हमरा सबके बीच में रवि कुमार पटवाजी अखन सुनलहुँ एकटा मिथिला में तो जे छथि सब मैथिल छथि आई तो दरभंगा जैसे केंद्र टावर तैठाम इनकर बड़का प्रतिष्ठान आ ते प्रतिष्ठान के ही जैसे अधिष्ठाता छथि आ भारत के राष्ट्रपति सब साक्षात संबंध यदि मिथिला में केकरो छै राज राष्ट्रपति भवन तक पहुँच ते आर के पटवाजी के छै से आर के पटवाजी हमरा संगे तेहन आब भ गला आत्मीय भ गला हन आ कहलत कि नहीं एकदम मिथिला के नवनिर्माण के लिए आप प्रोजेक्ट बनाइए हम आपका ये करवाते हैं भैयू आओ छथि हम छी हम सब मिलकर ओहि दिशा में बढ़ब आ कहियो ने कहियो गोविंद जी के लाभ के सामर्थ्य हिनका में छन गोविंद जी मिथिला में पटवाजी के माध्यम से एता तो हम सब के नमन करत एहिठाम समस्तीपुर जिला के जे युवा भाजपा अध्यक्ष छथि गुंजन जी से गुंजन जी छथि हमको देख बड़ा प्रसन्नता भ रहल नरेंद्र नरेंद्र जी नरेंद्र मंडल जी तो हमरा प्रसन्नता भ रहल सब गोटा के देख हम आह्लादित भ रहल छी कामेश्वर आओ के तो देख के हमरा एतेक चौधरी कामेश्वर चौधरी जी जे हमर संस्कृत सत्य प्रधानाचार्य छथे रमौली में लेकिन महान सुचिंतक हमर छथि हम इलेक्शन शिक्षक प्रतिनिधि ले तैयार नहीं रही यह सब कहल जे नहीं सन अहाँ के शिक्षक प्रतिनिधि के वास्ते आब पड़त समाज से जुड़ल रहलो सब दिन तो एहन हमर सुचिंतक श्री कामेश्वर आओ और जते गोटा मंच पर छी हम जनै छी जे समय के संकोच अछि आ हम इहो जनै छी जे यदि हम भागवत जकाँ तीन घंटा धरि लगातार हमरा भागवत कहै छियै देवी भागवत कहै छियै श्रीमद भागवत कहै छियै रामकथा कहै छियै तो तीन घंटा हमरा कम से कम समय चाहिए लेकिन हम कोनो अन्याय आयोजक के प्रति नहीं करय चाहब पुरुषोत्तम जी के वास्ते हम जरूर दू शब्द कह चाहब जे पुरुषोत्तम सनक पुत्र जे गाम के प्राप्त छै तै गाम के भविष्य अति उज्ज्वल छै अति उज्ज्वल छै अति उज्ज्वल छै। आइ हम कनियो ततेक प्रकार के व्यस्तता रहैए अखन लेकिन हिनकर आग्रह आ तै आग्रह में
उपेक्षा कर के सामर्थ हमरा नहीं छल ता पुरुषोत्तम जी के बहुत हम आशीर्वाद दे छियन जे आहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसुमति च तेना शास्त्र में जे कहल गेले हन जे पुरुषोत्तम सनक पुत्र हुआ के होय तो ओ व्यक्ति की कर छै त अपन कुल के पवित्र क लै छथि अपन कुल के पवित्र करै छथि अपन माता के कोख के धन्य करै छथि ओहि धारा के धरती के धन्याति धन्य करै छथि जाहि ठाम एहन एहन सुपुत्र उत्पन्न होइ छथि अहाँ के गाम के उज्ज्वल भविष्य के हम कामना करै छी और हमरा इहो देख के प्रसन्नता भऽ रहल अछि युवा उत्थान फाउंडेशन उज्ज्वल जी जुड़ल छथि बहुत ज्यादा आई दरभंगा नै पूरा मिथिलांचल में युवा शक्ति के प्रतीक रचनात्मकता के प्रतीक उज्ज्वल कुमार बन गया है और उज्ज्वल कुमार फिर डायरेक्ट लिंक छथि उज्ज्वल कुमार से राजीव बाबू लिंक छथि तो हमरा बहुत आशा अछि जे अहाँ युवा वर्ग मिलकर एकर जे तमाम जहाँ लिखने छी जे स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक राजनैतिक साहित्यिक और सांस्कृतिक जतेक अहाँ के उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य ताहि के अंतर्गत दरभंगा के उत्थान के वास्ते मिथिला मैथिली के उत्थान के वास्ते और संस्कृत के बिना विसरने संस्कृत के आधार पर ठार भ एकरा आगू बढ़व के वास्ते अहाँ सबके शक्ति और साफल्य परमात्मा दैथ भगवती दैथ यह शुभ चिंतन शुभकामना करैत हम अपन वाणी के एहिठाम विराजमान छथि विभाग प्रचारक श्री राजा राम बाबू को के बहुत हम नमन करै छी जे हिनका से हमरा एकाधे दिन एक दिन भेंट भेलै लेकिन एके दिन में हिनका से हम तत्ते प्रभावित भ गेल छी किएक तऽ पुअर हम के व्यथा कथा अनाथक व्यथा कथा सुन के वास्ते दरभंगा के लोग के फुर्सत नहीं छे हम मिथिला मैथिली अवश्य करी लेकिन जब पुअरे हम किया गौशाला के बिसर जाए चंद्र डॉक्टर चंद्रकांत मिश्रा अमर जी लिखल एक पोथी पोथी पर उनका पुरस्कृत पोथी छन अतीत मंथन ओमे लिखलखिन अतीत मंथन में हमरा बुझलो नहीं जे हमर नाम के उल्लेख ओहि पोथी में कला हन अमर जी ओमे लिखने छथिन कि दरभंगा नगर के दूटा श्रृंगार थी दरभंगा गौशाला और कामेश्वरी प्रिया पुअर लेकिन वो दोनों श्रृंगार बिखर गेल अछि तय क्रम में हम जे गौशाला पुनरुद्धार समिति बना के गौशाला उत्थान के काज में लागल रही तय में हमरा बारे में वो एक पैराग्राफ में वो उनकर पुरस्कृत पुस्तक छन और उनका महानता छन जे हमर चेष्टा के प्रयत्न के ओमे उल्लेख केने छला तो हम यह कहब जे हमरा प्राप्त अछि तेकरा त पहिने हम सजाबी मिथिला राज्य अवश्य हमरा लेबक चाही वो हमारा अधिकार तो अच्छी है लेकिन जे प्राप्त अच्छी वो प्राप्त हमर नष्ट भ रहल है ढह रहल है तो हम ओकरा नहीं ढह दिए ओकरा बचा के राखी अपन धरोहर के बचा के राखी आ पटवा जी से हमरा सिखा दला है नी जे अंत में कहले जे हर हर महादेव चलू हर हर महादेव कह के हम अपन वाणी के विराम करै छी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अपन जे संपत्ति है ओकरा सजेबा के लेल सामर्थ चाहिए और वो सामर्थ मैथिल के तखने भेटते जखन मिथिला राज हेते बंधुगण कार्यक्रम के आगू बढ़बैत